सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज जैसे आपको पता है कि नोएडा जा रहे हैं, तो सारी पैकिंग नाइट में कर ली थी, पापा की रह गई थी तो अभी कर रहे हैं वो। और मम्मी अभी ब्रेकफास्ट बना रही है, आज ब्रेकफास्ट में परांठे खाएंगे। सो हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, जो लंच की नीड नहीं पड़े हमें। सो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी से बात वगैरह करते हैं। और मियाँ ने बोला था एक नमकीन आती है यहाँ पे, उनको बड़ी अच्छी लगती है, सो पटौदी से वो नमकीन लेनी है। देन ट्रेन देखेंगे, जहाँ तक है 12 वाली भी कैंसिल करते हैं, 1:40 पे ट्रेन है उसमें चलेंगे। सो मिलता हूँ आपसे बाद में ब्रेकफास्ट करके। गाइस मैं तो बात करके रेडी हो चुका हूँ और जल्दी से मंडी के लिए निकलूँगा, क्योंकि चाचू का फ़ोन आया था तो मुझे विकेट भी चेक करनी है क्रिकेट के लिए। सो विकेट लेके आ रहे हैं हम, तो वो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो अभी मैं जाके रियल में देखूँगा फेस टू फेस की कैसी है, वहाँ पे सही मिली तो ठीक है, वरना ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे। और मैं रेडी हो चुका हूँ और लक्ष्मण को बोला है मैंने, आ रहा है वो बाइक लेके, फिर चलते हैं मंडी। और मियाँ के लिए नमकीन का पैकेट भी लेना है, सो निकलते हैं अब, मिलता हूँ आपको वहाँ जाके। तो गाइस दुकान पे आ चुके हैं, अब जल्दी से यहाँ पे विकेट चेक करते हैं, देन अंतर मार्केट में चलेंगे चेक करने। भाई देखा दूंगा चाचा को, प्लास्टिक की होगी। तो गाइस अभी हम विकेट देख के तो आए हैं, बट अभी चाचू के पास फोटो सेंड किया है, देखते हैं उनको पसंद आती है नहीं आती है। गाइस अभी हम सेकंड वाली शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ और चेक करेंगे कैसे कैसी विकेट मिलती है। सो गाइस यहाँ हम अंकल की फेमस कचौड़ी खाने आए हैं, हेली मंडी की फेमस कचौड़ी यहाँ मिलती है, अगर आपको खाना है तो यहाँ आ सकते हो। रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, जल्दी से टिकट लेते हैं फिर वेट करेंगे ट्रेन का। टिकट तो सो गाइस टिकट तो ले लिया मैंने, और बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी सो तो नहीं कर रहा कि रेवाड़ी से चली है, टाइम तो हो चुका है, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ही हो चुका है, 1:40 का टाइम है और 1:32 तो हो चुके हैं, पता नहीं राइट टाइम आएगी नहीं आएगी। नेट पे तो शो कर रहा है कि रेवाड़ी से चली ही नहीं है, सो वेट करते हैं, बताता हूँ आपको जैसे भी होता है। ट्रेन आ चुकी है, हाफ एन आवर लेट है, रिकवर कर लिया, मैं तो सोच रहा था कि 2 o'clock के आसपास ही आएगी, पर 1:15 तक आ चुकी है। आगे चल रहे क्योंकि पालम में बाहर जाना पड़ेगा ना, तो पालम में चलने की नीड नहीं पड़ेगी। सो गाइस सीट सारी वैकेंट पड़ी है, सारे कैबिन भी मेनली 10 to 15 पैसेंजर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस पालम स्टेशन आ चुका है, सो गाइस पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, अब ई रिक्शा की तरफ जा रहे हैं, ई रिक्शा लेंगे मेट्रो स्टेशन तक। Thank you.
नहीं मैं जाऊंगा। तो गाइस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं मेट्रो के, अब बस मेट्रो का वेट है और हम बोटोनिकल गार्डन जाएंगे। सो गाइस फाइनली बोटोनिकल गार्डन के मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, अब बस ये फ्लाईओवर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो फाइनली गाइस सोसाइटी में आ चुके हैं। और यहाँ अपार्टमेंट में भी आ चुके हैं, जो बस जल्दी से ओपन करते हैं और चलते हैं ऊपर। अभी बस सोहन भाई ही घर पर है, सब बाहर जा रखे हैं। और ये आ गए हमारे भैया। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और मियाऊ मौसी जी और भाई गए हैं किसी रिलेटिव के, तबीयत खराब हो गई थी, देन हम तो आ चुके हैं। भाई यहाँ पे थे, सोहन भाई, तो वेट करेंगे, मियाऊ आ रही है और इतने तब तक रेस्ट करते हैं। तो पता ही नहीं था यहाँ के, पता चला कि क्रिकेट मैच भी है आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सो अभी देख रहे हैं, बताता हूँ रिजल्ट क्या रहा इसका। अच्छी लाइन, फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, इंडिया ने 162 बनाया है। स्टार्टिंग के दौर में तो ऐसा लगा कि 200 इजीली क्रॉस हो जाएगा और अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, बट श्रीलंका ने अच्छी बॉलिंग की और फिर लास्ट में हुडा और अक्षर पटेल ने अच्छा फिनिश किया। और ये यहाँ हम मैच जीत चुके हैं, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा और लास्ट में जीत ही लिया। सो गाइस इंडिया मैच जीत चुकी है और लास्ट तक फाइनल नहीं था कौन जीतेगा कौन हारेगा, सो बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा और सब बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सब। और यहाँ मैं वेब सीरीज़ देखने लग रहा हूँ अब, और अब जाके एडिटिंग करूँगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया सो प्लीज़ को लाइक से सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।